छतरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का हाल है। यह एक आदिवासी गांव में देखने को मिला, जब एक मरीज को चारपाई पर लिटाकर ले जाना पड़ा। मामला बड़ामलहरा विधानसभा के जनपद पंचायत बक्सवाहा के गांव हिरदेवपुर में उस समय देखने को मिला, जब गांव की महिला 40 वर्षीय जंगी बारेला को अचानक सीने में दर्द होने लगा। गांव में वाहन पहुंचने के लिए मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों ने चारपाई पर लिटाया और 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर आए और फिर प्राइवेट वाहन से बक्सवाहा अस्पताल पहुंचे, जहां महिला का प्राथमिक उपचार किया गया। लेकिन बदकिस्मती ने अभी भी महिला का साथ नहीं छोड़ा। महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, मगर जिला अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। परिजन बताते हैं कि हमारे द्वारा कई बार एम्बुलेंस को कॉल किया गया, पर हर बार जवाब मिला कि एम्बुलेंस को आने में 2 घंटे लग जाएंगे। जिसके बाद आदिवासी परिवार ने किराए से प्राइवेट वाहन किया और जिला अस्पताल दमोह ले गए। इस तरह की तस्वीरें विकास कार्यों की पोल जहां खोलती है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने से मरीजों को परेशान भी होना पड़ता है। राज इंडिया 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, छोटू खान, छतरपुर। मैं आपका क्या हुआ? मेरा नाम राजेश बारेला है और हमारी भाभी बीमार हुई थी, तो बीमार होने के कारण, रोड खराब होने के कारण वहाँ से खटिया पे लेकर आए कम से कम 1 किलोमीटर। वहाँ से एम्बुलेंस को बुलाया तो एम्बुलेंस नहीं आई। उसके बाद अपनी गाड़ी करके बक्सवाहा लेकर आए और यहाँ भी ऐसी समस्या मिली कि वो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाई, यहाँ से भी अपनी गाड़ी को ले जाना पड़ा। कहाँ रेफर किया गया? दमो। तो यहाँ भी एम्बुलेंस नहीं मिली? नहीं मिली सर। और अटैक आया भाभी को और ऐसी समस्या है कि वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है लेकिन गाड़ी नहीं है, तो अपना जैसे तैसे व्यवस्था करके रेफर किया गया। तो गांव से, आपके गांव से आने के लिए कोई सड़क नहीं है ऐसी? नहीं सर, वहाँ कोई सड़क नहीं है। सड़क तो इतना गंभीर है कि क्या बताएं। बहुत सब जानकारी आपने किसको दी? 108 पे कॉल किया था सर, लेकिन मिला कैसा सर? क्या कहा उन्होंने? कहा कि अभी 2.5 घंटे में आ पाएंगे। 2.5 घंटे में जब तक तो सर बहुत गलत हो जाएगा। वो एपिलेप्सी का पेशेंट था, झटके के साथ आया था, उसको स्टेबल करके गाड़ी में रिफ़र किया। 108 पे लगाया था, हम लोगों ने भी कांटेक्ट किया, उनकी फैमिली वालों ने भी कांटेक्ट किया, बट वो 108 यहाँ कोई आसपास वो अवेलेबल नहीं थी, तो वो प्राइवेट वाहन में दिक्कत हॉस्पिटल दमो में रिफ़र कर दिया गया। सर क्या स्थिति थी? अभी वो स्टेबल थी।